स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। भाई फाइनली 30-35 घंटे की जर्नी करने के बाद मैं कल पहुंच गया था मोरक्को। संटी भाई को अपने एयरपोर्ट से ले आए। ये भाई की मतलब पहली इंटरनेशनल ट्रिप मान लो एक तरह से, कनाडा अमेरिका ये सब मतलब डोमेस्टिक ही मान के चलो। तो भाई का देखते कैसा क्या रहता है एक्सपीरियंस। भाई देखो मैं बताता हूँ, मैंने अभी तक मतलब यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल किया है। क्या किया है? लंदन गए हो बस, वो भी 2 दिनों के लिए। लंदन, आप फिर कनाडा हो गया, एक और यूरोपियन बताओ। यूरोपियन बताओ लंदन के अलावा। जा रहा था कैंसिल कर दे। कैंसिल करा दी। ठीक है तो भाई आज हम घूमेंगे कासाब्लांका और मैं आपको बताऊंगा मेरा फर्स्ट इंप्रेशन मोरक्को का कैसा रहा। हालांकि अभी देखो ये सारी जो सड़कें हैं ना, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मैं सीरिया जॉर्डन मतलब ऐसी जगह पे आ गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसी बिल्डिंग होती है ऐसी रंग की, मिट्टी मिट्टी से रंग की और थोड़े बहुत पेड़ से उगे होते हैं। तो अब हम पहले यहाँ से जा रहे हैं भाई, दोपहर के बज गए 12, हम पहले जा रहे हैं भाई इंडियन रेस्टोरेंट। आ जाओ भाई, चलो सीधा सीधा ही चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट। और कल से यार मैं देख रहा हूँ भीड़ ही नहीं है शहर में, है ना? मेरे को भी नहीं लगी। कल भी भाई फटाफट ले आया वो बंदा, और कल तो चलो सैटरडे था, मतलब मुस्लिम कंट्री के हिसाब से संडे हो गया वो। तो देखते हैं आज कैसा क्या रहता है। 2-3 जगह जाएंगे कासाब्लांका में, मतलब मेन जो इनका सबसे घूमने वाला शहर है ना वो है मराकेश। तो हम सोच रहे हैं मराकेश के लिए कल निकल जाएं, आज सारा कासाब्लांका घूम के। चलो इस मैकडी में चलते हैं। कल ना मैंने एक बहुत मस्त चीज़ खाई थी जो मैंने पहले कभी भी मैकडी में नहीं खाई भाई किसी भी देश में। तो देखते हैं इस वाले मैकडी में मिलती है नहीं मिलती है, फिर स्टेशन वाले पे मिलती है। वो चिली चीज़ कुछ खाया था ना, वो खा के देखते हैं चलो। तो भाई मैकडी में जो मैं आपको चीज़ बता रहा था ना, देखो यहाँ पे 3 लैंग्वेज आती है भाई, इंग्लिश ये टूरिस्ट के लिए है, ये फ्रेंच और ये अरेबिक, ये दोनों लैंग्वेज ही बोलते हैं मोरक्को में। तो मैं आपको जो बता रहा था वो मिलता है स्नैक्स में, पता नहीं यार इंडिया में मिलता है नहीं मिलता, अगर मिलता हो तो मेरे को बता देना भाई। ये चिली एंड चीज़ पॉप्स 33 दिरहम मतलब लगभग $3 के करीब हो गया। तो 5 बॉल्स आती हैं इसमें। ये मस्त लगा था कल मेरे को, संडी भाई से पूछे कैसा लगा भाई। ये हैं चिली एंड चीज़ पॉप्स भाई, इसको आधा खाना फिर पूरा खाना, चलो बताओ कैसे हैं। पहले देख लूँ गरम तो नहीं है ज़्यादा। हाँ भाई मज़ेदार है तो। ना अंदर शिमला मिर्च वगैरह है जो आप उसमें डालते हो। इसमें मेरे को लग रहा है शिमला मिर्च और हल्की सी गाजर सी की डाल रखी। अच्छा चीज़ है। मस्त है ना भाई। ये देखो यहाँ पे ट्रैम की पटरियाँ भी हैं। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई कि मोरक्को में ट्रैम चल रही होगी, पर हाँ कासाब्लांका में तो है ट्रैम। अब पता नहीं कैसे टिकट वगैरह लेते हैं इसकी, देखो ट्रैम के साइन भी लगा रखे हैं। तो जाएंगे 2-4 जगह जाना है तो क्या पता बीच में ट्रैम भी यूज़ कर लें। भाई ये देखो ये है ट्रैम का स्टेशन, बिल्कुल मॉडर्न लग रहा है यार। मतलब ट्रैम मतलब सही लगता है, ट्रैम जब किसी सिटी में चलती है ना पूरा मतलब मस्त फीलिंग आती है। और यूरोपियन मतलब सारे देशों में लगभग चलती है तो यहाँ पे भी चल ही रही है ट्रैम। अब यहाँ के पार्क में से जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ सबसे बढ़िया तरीका पूरी सिटी देखने का क्या है, पैदल पैदल घूमो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूम लो, एक डेस्टिनेशन चूज़ कर लो। जैसे अभी इंडियन रेस्टोरेंट चूज़ करिए, वो हमारे होटल से 40 मिनट दूर वॉकिंग पे था, तो मैंने कहा मैकडी पे से थोड़ा बहुत खा लेते हैं और फिर चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाएंगे, तो काफ़ी कुछ सिटी में भी देख लेंगे और वॉकिंग भी हो जाएगी अपनी और इंडियन रेस्टोरेंट भी पहुँच जाएंगे। फिर वहाँ से कोई और पॉइंट डाल देंगे, वहाँ तक वॉकिंग करके पहुँचेंगे। भाई देखो इस रोड में आपको कोई दिक्कत दिख रही है? पर संटी भाई को दिख गई क्या दिक्कत भाई? देख जैसे अमेरिका में क्या होता है या फिर आप कनाडा में भी जा रहे हो ना, जैसे अगर रोड से चल रहे हो तो जैसे इन्होंने इसी को, ये ना ये तो गवर्नमेंट का रोड है ना, इन्होंने तोड़ के बना दिया, तो बंदा अगर गिर जाएगा तो इनको सू कर सकता है। ये अमेरिका के कायदे कानून ना भूल जाओ। वो तो मैं कब का भूल गया आते ही भाई, एयरपोर्ट पे ही भूल गया था। तो भाई ये वॉक करने लग रहे हैं मोरक्को की सड़कों पे, लगभग 4 किलोमीटर दूर था रेस्टोरेंट, हमने कहा वॉक ही कर लेंगे। तो मोरक्को में जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं वो है एक फ्रेंच और एक अरेबिक, जैसे मैंने मैकडी में आपको दिखा दिया था। फ्रेंच ही इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये फ्रेंच के गुलाम थे, तो फ्रेंच का ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लुएंस तो आएगा ही, पर ज़्यादातर लोग ना फ्रेंच बोलेंगे आपके साथ। उनसे पूछोगे आप कौन सी लैंग्वेज बोलता है तो कहेगा फ्रेंसिस, मतलब फ्रेंसिस कहते हैं, फ्रेंच कहते हैं, क्या कहते हैं, मतलब अरेबिक आप बोलोगे ना तो कहेगा हाँ मेरे को अरेबिक भी आती है। मतलब अरेबिक का इतना टच नहीं है यहाँ पे, मे बी साउथ ऑफ मोरक्को में हो पर यहाँ तो नहीं है कैसाब्लांका वगैरह में,
क्योंकि ये यूरोप के खुद ज़्यादा ही पास हैं। वैसे देखा जाए तो स्पेनिश बोलनी चाहिए थी इन लोगों क्योंकि स्पेन है इनके पास, पर राज फ्रांस ने किया इसलिए फ्रेंच बोलते हैं। भाई यहाँ चोरी कर रहे हैं ये संतरों की और कह रहे हैं मैं इस पेड़ पे से संतरे तोड़ूंगा। ये सड़क पे लगे हुए हैं, ये उन लोगों के लिए है जैसे अगर अभी हमें चल रहे हैं भूख लग रही है तो खा लो। पर क्या है ना, नीचे के लोगों ने सारे संतरे तोड़ रखे हैं, ऊपर हैं। देखो देखो क्या कर रहे हैं अब भाई, देखो कहाँ चढ़ गए, पर अभी भी एक भी संतरा हाथ में नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ तक भी लोग चढ़ चुके हैं। और ये देखो बंदे साइड में से देखते हुए जा रहे हैं कि संटी भाई क्या करने लग रहे हैं। वो हंस रहा है बंदा। अबे कूदना पड़ेगा आपको। अच्छा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, क्या संटी भाई आज संतरा तोड़ पाएंगे? तोड़ लिया। चलो हो गए कुछ अब? और क्या भाई, ये इतना गंदा सा लग रहा है तो भाई अंदर साफ होगा, ऊपर छिलका ऐसा है। अच्छा भाई ये आ गया इंडियन रेस्टोरेंट, खुला ही लग रहा है। हाँ इंडिया पैलेस, काफी सारे हैं भाई कासाब्लांका में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है। मोरक्को में काफी इंडियंस घूमने आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अभी मोरक्को ना इंडियंस के लिए ई वीजा है और आपको कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपलोड करनी अपनी पासपोर्ट और पासपोर्ट की फोटो और अपनी फोटो। आपका 3 दिन में वीजा आ जाएगा, मेरा तो खैर 1 ही दिन में आ गया था। आप फास्ट वाला भी ले सकते हो जिसमें 1 दिन में भी आ जाता है, पर उसकी थोड़ी फीस ज़्यादा है। 3 दिन वाला ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ कि जो मेरा वीज़ा नंबर आया था ना, वो आया था लगभग 2300, मतलब 2024 में 23 जनवरी तक जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, 23 या 20 जनवरी तक 2400 लोगों ने इंडिया से वीज़ा ई वीज़ा अप्लाई कर दिया था। तो सोच सकते हो आप कि हर महीने मतलब लगभग 3000 लोग मोरक्को के लिए इंडिया से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं हर महीने। तो 36000 टूरिस्ट इंडिया से आते हैं, टूरिस्ट बिजनेसमैन सब कुछ मिला के 36000 लोग आते हैं इंडिया से। तो वो रहा इंडियन रेस्टोरेंट, अब चलते हैं इसके अंदर। संडी भाई शायद पहले ही घुस गए। भाई ये आ गया था अपना मेन्यू, इसमें से हमने ऑर्डर करा चिकन टिक्का मसाला और दो गार्लिक नान। अब यहाँ पे अगर आपको डॉलर में प्राइस करने हैं, जैसे 100 लिखा ना, 100 का मतलब $10, 50 का मतलब $5, डिवाइड बाय 10 करना है डॉलर्स में और इंडियन रुपीज़ के लिए मल्टीप्लाई बाय 8 करना है। और भाई संटी भाई इतने खुश हो रखे हैं कि भाई इतना सस्ता खाना, इतना सस्ता इंडियन रेस्टोरेंट कहीं नहीं है भाई, कुछ भी ऑर्डर करो, ऐसे खुश हो रखे हैं। भाई खाना अपना आ चुका है, चिकन टिक्का मसाला और गार्लिक नान और एक मिनट लस्सी मंगाई है, पापड़ वगैरह फ्री थे। ठीक है तो भाई हमारा बिल आया 210 दिरहम, मोरक्कन दिरहम यहाँ की करेंसी है। भाई नोट दिखाना यार, मैंने नोट नहीं दिखाया लोगों को। तो एक दिरहम में आता है आज की तारीख पे 8.3 इंडियन रुपीज़ के करीब। तो भाई कुछ ऐसे मोरक्को के नोट देखते हैं, मेरे हिसाब से शायद ये सबसे बड़ा नोट है मोरक्को का, ये है 20 दिरहम का, मतलब $20 सीधे सीधे आप ये मान सकते हो। फिर भाई 100 का है, 50 का है और 10 का तो सिक्का आता है यहाँ पे, मतलब $1 के मुकाबले सिक्का है। ये 100 का है, ये वाला 50 का है। तो 210 दिरहम आया, 3 गार्लिक नान, 1 चिकन टिक्का मसाला, 1 लस्सी, 1 पानी की बोतल, बस यही था ना, यही था बस। ठीक, और पापड़ वगैरह तो फ्री थे, सलाद वगैरह सब फ्री था। अब यहाँ से हम जाएंगे कासाब्लांका की सबसे बड़ी हाईलाइट, जो कि मतलब मेन लगभग मुस्लिम देशों में यही होती है, सबसे बड़ी मॉस्क यहाँ की, जो कि सबसे फेमस भी है और बिल्कुल समुंदर किनारे पे है वो मॉस्क, उसका नाम है हसन टू मॉस्क। वहाँ चलते हैं, यहाँ से 30 मिनट की वॉकिंग पे अपना डाइजेस्ट भी हो जाएगा और सिटी देखते हुए चलेंगे। भाई देखो जैसे इन गाड़ियों के आगे जाना है ना, तो लाइट वहाँ पे लगी हुई है, हम सारी यहाँ देख रहा हूँ मैं हर बार, मैं कह रहा हूँ लाइट है ही नहीं, फिर ये बंदे रुक क्यों रहे हैं। भाई इन गाड़ियों की लाइटें वहाँ पे है, मतलब उस साइड, ये क्या सिस्टम है पता नहीं मेरे को, तो यहाँ लगानी चाहिए ना, उस साइड का क्या मतलब है, ऐसा अमेरिका में होता है? इस तरफ वाली गाड़ियों की उस साइड लाइट, देखो तो लगा है लाइट ही नहीं है ऐसे लाइट। भाई ये हम वॉकिंग करते हुए 15 मिनट हो गए हमको रेस्टोरेंट से, और वो जो आपको मीनार दिख रही है ना, वो है हसन टू मॉस्क की मीनार। और यहाँ पे भाई चौराहे आ गए, हर चौराहे पे मोरक्को का फ्लैग भी लगा रखा है इन लोगों ने। मैं आपको फ्लैग दिखाता हूँ, ये वाला है भाई मोरक्को का फ्लैग, लाल कलर का, बीच में ग्रीन कलर का स्टार है। चलो भाई चलते हैं। भाई ये है शेल का पेट्रोल पंप और यहाँ पे प्राइस है डीजल का 13 दिरहम, मतलब $1.3। तो भाई ये मेरे पीछे आप देख रहे हो हसन टू मॉस्क, ये सबसे फेमस है कासाब्लांका में। अगर आप कासाब्लांका सर्च करते हो ना, तो हसन टू मॉस्क ही आता है। तो ये सारे मोरक्को के फ्लैग लगे हुए हैं, वहाँ पे समुंदर है, अगर आप समुंदर सीधा तैरना शुरू करोगे ना, सीधा आप पहुँच जाओगे भाई अमेरिका। और यहाँ पे सारे बच्चों के झूले वगैरह लगा रखे हैं, तो ये सारा वॉकिंग वगैरह का होगा, लोग जॉगिंग वगैरह करने आते होंगे। तो सोच रहे हैं या तो पहले मॉस्क जाएं या फिर घूम के आ जाएं, देखते हैं क्या करें। हाँ बैठते हैं भाई, थक भी गए हैं, 25 मिनट वॉक अभी करी है
40 मिनट इंडियन रेस्टोरेंट के लिए, तो हम 65 मिनट सुबह से ऑलरेडी वॉक कर चुके हैं भाई। ये इनकी पूरी समुंदर के पास मतलब वॉक वगैरह करने की जगह है, बच्चों वगैरह के झूले लगा रखे हैं, लोग नीचे भी गए हैं। और ये रही भाई मॉस्क, तो मतलब अगर बाढ़ वगैरह आती है तो भाई सीधा इस मॉस्क पे ही आएगी। यहाँ पे अभी लहरें भी टकराने लग रही थी इस मॉस्क की दीवारों पे डायरेक्ट बिल्कुल। तो ये है भाई आपका अटलांटिक ओशियन, यहाँ से सीधा जाओगे अमेरिका आ जाएगा। अभी चलते हैं मॉस्क के अंदर। तो भाई मोरक्को के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ जो इस मॉस्क से भी रिलेटेड है। 1993 में बनके कंप्लीट हुई थी, जो कि बनवाई थी हसन टू किंग ने। तो आप कहोगे यहाँ पे किंग है, जी हाँ आज तक यहाँ पे किंग है। पर ऐसी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन है कि किंग भी रहेगा प्लस आपकी डेमोक्रेसी भी रहेगी। जैसे भूटान में था ना कि किंग भी था और आपकी डेमोक्रेसी भी होगी। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का नाम है अभी अजीज और एक सरनेम भी है जो बड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं गलत प्रोनाउंस नहीं करना चाहता। और यहाँ की किंग का नाम है अभी मोहम्मद सिक्स। आपको याद होगा कासाब्लांका के एयरपोर्ट का क्या नाम था, मोहम्मद फाइव एयरपोर्ट। तो मोहम्मद सिक्स अभी किंग है यहाँ पे। 1993 में बनके तैयार हुई थी वाली मॉस्क। और ये जो मिनारेट है इस मॉस्क की, सेकेंड लार्ज टॉलेस्ट मिनारेट है मतलब जितनी भी मॉस्क है उनमें। और ये मॉस्क अफ्रीका की सबसे बड़ी फंक्शनिंग मॉस्क है अभी तक, मतलब अभी तक अफ्रीका में इससे बड़ी कोई ऐसी मॉस्क नहीं है जो फंक्शनल हो। और इसको बनने में लगे थे लगभग $700 मिलियन। और भाई एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मोरक्को की सबसे बड़ी सिटी तो यही है जिसमें हम घूम रहे हैं जिसका नाम है कासाब्लांका, पर यहाँ की कैपिटल है रबात। बहुत सारे ऐसे देश हैं भाई जिसमें सबसे बड़ी सिटी होगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में सिडनी पर कैपिटल है कैनबरा। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक मोरक्को ऐसा है जिसने सबसे बड़ी सिटी को कैपिटल नहीं बनाया। रबात इसके नॉर्थ में है, थोड़ा सा दूर है, मतलब यहाँ से आप मे बी 1.25 घंटे में गाड़ी से पहुँच जाओगे। तो जो मोरक्को है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड कंट्रीज में से एक है, क्योंकि जो इसका नीचे का पोर्शन है, साउथ पार्ट का पोर्शन है, उसको कहते हैं भाई वेस्टर्न सहारा। जो मतलब अपनी खुद की इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भाई हमको अलग करो, हमको अलग करो। पर अभी तक वहाँ पे राज मोरक्को का ही चलता है। पर अगर आप गूगल मैप भी खोल के देखोगे ना तो आधे में से मोरक्को कटा हुआ है और नीचे का आप देखोगे तो लिखा होता है वेस्टर्न सहारा। तो वहाँ पे अगर आप बॉर्डर क्रॉस करते हो मॉरिटेनिया की तरफ भी जाते हो तो वहाँ पे सारा बॉर्डर चेकिंग वगैरह मोरक्को के द्वारा कंट्रोल्ड है। जो वहाँ की मेन सिटी डाकला, जो मतलब वेस्टर्न सहारा की कैपिटल है, वो भी मोरक्को के द्वारा कंट्रोल्ड है। वहाँ के एयरपोर्ट से सारी मोरक्को की तरफ ही फ्लाइट चलती है, कोई इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह भी नहीं चलती हैं। तो अभी सब कुछ मोरक्को के द्वारा कंट्रोल्ड है, पर वो लोग कह रहे हैं हमको इंडिपेंडेंट करो। यहाँ तक कि गूगल मैप ने भी मतलब कह रखा है कि भाई वो अलग रीजन है, पर मतलब ना कोई भी मतलब यूनाइटेड नेशंस वगैरह उसको रिकॉग्नाइज अभी तक नहीं कर रहे हैं। ये आ गए भाई हम मॉस्क के अंदर, तो नहीं कहूँगा मतलब कंपाउंड के अंदर आ गए हैं। पता नहीं भाई एंट्री कहाँ से इतनी बड़ी है, पता ही नहीं चल रहा है, शायद वहाँ से कहीं से एंट्री, यहाँ से तो निकल रहे हैं जा रहे हैं, पता नहीं क्या है, पता नहीं कहाँ से भाई एंट्री। भाई मॉस्क तो अभी बंद कर दी, 4 बजे खोलेंगे। अभी पता नहीं हम यहाँ से आए और कुछ हमाम जैसा लग रहा था, मतलब बड़ा सा नहाने वाने का, और अगर नहाने वाने का हुआ तो यहीं नहाएंगे अब है ना। हाँ भाई यहीं पे नहाते हैं, पर टावल वगैरह लाए नहीं हम, चलो देखते हैं। तो भाई यहाँ पे ये था हमाम के लिए था पूरा ये, ठीक है। और इसमें लिखा ही है आप सिंपल हमाम करना चाहते हो अडल्ट के 50 दिरहम में 1.5 घंटे आप जा सकते हो। पर हम टावल कपड़े वगैरह कुछ भी नहीं लेके आए, और यहाँ पे टावल वगैरह भी लिखा रखा था, टावल रेंट पे 35 दिरहम का है और बच्चों के लिए 40 दिरहम है। ये है भाई मतलब 500 दिरहम तक का जाता है पैकेज, 650 भी है, पता नहीं क्या क्या है ये। ठीक है भाई हम नहीं कर सकते भी टावल वगैरह लेके, नहीं है ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा फिर। तो भाई जब नीचे हम हमाम गए थे ना वो ऐसा होता भाई देखने में कितना से, अरे ये तो वही है जहाँ पे Tiger 3 में शूटिंग हुई थी, जहाँ पे कटरीना कैफ नहा रही थी एक लड़की के साथ, ट्रेलर में भी देखा होगा वैसा सा ही हमाम है ये। तो ऐसा होगा यहाँ पे बहुत सारे जने होंगे और आप यहाँ जाके मतलब नहा सकते हो, चाहते तो हम नहा सकते थे अगर टावल वगैरह लेके आते तो। तो भाई हमको मॉस्क पे बताया गया कि मॉस्क के अंदर जाने के लिए टिकट्स है फॉरेनर्स के लिए, तो आप यहाँ से टिकट खरीद सकते हो। वैसे हम फॉरेनर लगते नहीं है, चाहते तो वैसे भी घुस सकते थे, पर हमने पूछ लिया तो उनको पता चल गया हम फॉरेनर हैं। तो फिर कहते म्यूज़ियम में से टिकट खरीद के लाओ, ये म्यूज़ियम है, ये टिकट है भाई $13 की, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदने वाला हूँ, क्योंकि यार एक धार्मिक प्लेस के लिए आपने इतनी महंगी टिकट रख रखी है, $1, $2, $4, $5 तक समझ में आता है, $13 की टिकट। मैंने कहा नहीं भाई, संडी भाई भी बोले नहीं भाई नहीं जाना यार, एक धार्मिक जगह के लिए इतनी महंगी टिकट नहीं देनी है भाई हमको, कहीं और चल लेंगे, $13 बहुत ज़्यादा होते हैं भाई। तो कई लोग विजिट करना चाहेंगे पर मेरे को तो नहीं करना था,
तो हम टिकट नहीं ले रहे हैं अब, यहाँ से हम कहीं और निकलते हैं, मे बी कासा पोर्ट स्टेशन की तरफ निकलते हैं, क्योंकि हमको मराकेश के लिए टिकट भी पता कर रही है। तो यार मैं तो ये कहना चाहूँगा गवर्नमेंट को कि भाई क्या ही हो जाएगा, $13 लेके अपना थोड़ा फ्री कर दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फिर $2-5 रख लो यार, $13 तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो भाई यहाँ से हम निकल चुके हैं, मस्जिद के अंदर मैं नहीं गया, मैंने आपको बताया था शुरू में कि $700 मिलियन इस मस्जिद को बनाने में लगे थे, तो भाई इतना पैसा खर्च कर ही दिया है, तो $13 करके तो वो ज़िंदगी में कभी रिकवर होने नहीं वाले। और मतलब भगवान की प्लेस इसलिए थोड़ी ना बनाई है कि पैसे कमा सके या फिर मतलब किसी चीज़ के लिए भी। तो भाई मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में जितने भी टेम्पल हों, चाहे मस्जिद हो चाहे चर्च हो, मेरे हिसाब से फ्री कर देना चाहिए। हाँ एक लिमिट रख दो कि भाई दिन में इतने बंदे आ सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्टर कर लो और आ जाओ, पर अगर आपको लगता है कि भीड़ ही हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो भाई सब लोग लोकल फ्री में ही विजिट कर रहे थे, सिर्फ फॉरेनर्स के लिए रखना तो भाई गलत चीज़ लगी मेरे को बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं गया भी नहीं। चलो भाई पानी खरीद लो यहाँ से। भाई मैं बताऊँ तो देखो मेरी चारों तरफ बड़ा ही खाली शहर लगा मेरे को, ये पता नहीं यहाँ की पॉपुलेशन कम है, रोडे चौड़ी हैं, ट्रैफिक कम है, लोग गाड़ियाँ नहीं है, क्या नहीं है, पर यहाँ मेरे को मतलब बड़ी शांति लगा कि भाई मतलब कहीं पे भी भीड़ भड़क का नहीं है। फ़ोन तो यहाँ पे कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पता नहीं क्या। ये तो सबसे बड़ा शहर है पूरे मोरक्को का, भीड़ ही नहीं है, देखो ना खाली पड़ी है रोड, बीच बीच में से एक एक गाड़ी जा रही है। ये पानी की बॉटल हमने उस दुकान से ली 4 दिरहम की, लगभग कितने हो गए 32-34 रुपये के करीब की ये बॉटल पड़ी है हमको, तो सही है, इतनी महंगी भी नहीं है। मतलब अगर हम दुकान से ही जाके ले लेते मतलब ग्रोसरी स्टोर वगैरह से, तो इसकी आधे रेट पे पड़ जाती, पर ठीक है जब पानी प्यास लगे तो क्या ही कर सकते हैं। वैसे मोरक्को मेरे को काफ़ी सस्ता लगा, कुछ भी महंगा नहीं, बस वो मस्जिद की टिकट कुछ ज़्यादा ही महंगी थी। तो भाई यहाँ पे हम चल रहे थे, कासा पोर्ट स्टेशन आने ही वाला है, 300-400 मीटर रह गया, यहाँ से ही आ गया मदीना, इसको शायद ओल्ड मार्केट कहते हैं या फिर क्या है ये। यहाँ पे पोर्ट है सामने, यहाँ से सारे ट्रेडर्स वगैरह आते थे, तो यहाँ पे लिखा है आप यहाँ पे हो, गंदा हो रखा है पूरा, यहाँ से पूरा कोर्स है मतलब लाल कलर का जो है ना, यहाँ से आपका पूरा घूमने वगैरह का है, तो आप पूरा घूम सकते हो, मतलब ओल्ड टाउन सा है, चारों तरफ से वॉल होती है ना जैसे, वैसा सा है। चलो इसके अंदर चलते हैं, देखते कुछ मिलता है या नहीं। भाई ये आ गया मदीना एरिया, मतलब यहाँ पे इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं बस कि ये स्कूटर टाइप ही निकल सकते हैं। ओहो अच्छा अब समझ गया कैसा है, पुराना सा। चलो घूमते हैं अब इसमें, देखते हैं कैसा क्या है। ओहो बढ़िया वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे, आप इस साइड में देख रहे हो ना, तो सारे कैफेज़ के बाहर आपको ऐसी चेयर डली मिलेंगी और सारे लोग यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी वगैरह पीते रहते हैं, हम भी पीते हैं, चलो देखते हैं। भाई पता नहीं मतलब मार्केट होगी है पर अब दुकानें सारी बंद हैं, तो डल डल सा लग रहा है काफ़ी मामला, कोई बंदे ही नहीं है यार पूरे देश में, मेरे को तो ऐसी फील आ रही है मोरक्को में बंदे ही नहीं है क्या, है ना खाली बड़ा भाई यहाँ पे। भाई मैं कह रहा था ना पक्का ये मार्केट वगैरह हो गया, और देखो चलते चलते आ ही गई मार्केट, पर इनमें से भी देखो आधी से ज़्यादा दुकानें ना बंद हैं, तो उतनी फील नहीं आ रही, और बिल्कुल मतलब लोग तो है ही नहीं यहाँ पे, मतलब मार्केट टाइप आ गई है पूरी, ओल्ड एस्थेटिक टाइप की लुक वाली मार्केट। भाई ये मार्केट में से जा रहे थे हम मदीना में से, तो भाई यहाँ पे बड़े जेन्युइन प्राइस पे मैग्नेट मिल रहे हैं, जितने भी मैग्नेट हैं सारे ये कह रहा है 10 दिरहम के, मतलब लगभग $1 मान लो आप। तो मेरे को ये वाला पसंद है, थोड़ा अजीब मतलब शेप अलग है, इसमें मोरक्को भी लिखा है, मोरक्को का झंडा भी है, और ये जो सबसे फेमस इनकी मॉस्क है जिसमें हम गए नहीं वो भी छपी हुई है। चलो कोई नहीं ये लेता हूँ मैं, सही है 10 दिरहम का, क्या पता कहीं और मिले ना मिले, यही मिल गया। भाई संटी भाई को चाहिए थी बाथरूम की स्लीपर्स, अब संटी भाई थोड़े नए नए ट्रैवलर हैं, उनको विश्वास नहीं होता बंदा देख के, पर मेरे को बंदा देख के पता चल जाता है वो बंदा कैसा है। तो भाई हमारे ना आगे आगे एक बंदा चल रहा है, वो ऐसे ही मिल गया था हमको, हमने कहा भाई हमको स्लीपर चाहिए था प्लास्टिक स्लीपर, मैंने कहा हाँ, तो वो लेके आ गया हमको दूसरी मार्केट, यहाँ देखो अच्छा ये सारी जेंट्स की मार्केट है और लेडीज़ की अलग थी, यहाँ देखो सारे जेंट्स के कपड़े हैं। तो संटी भाई डर रहे थे बेचारे फालतू में, पर वो देखो सही जगह ले आया। तो भाई यहाँ पे मार्केट में हम घूम रहे थे, तो ज़्यादातर चप्पल जो यहाँ पे मिल रही है ना वो ऐसी मिल रही है, और संटी भाई को चाहिए जो यहाँ पे मतलब वो अपना अंगूठा अलग चला जाता है, चार उंगली अलग, तो वो सिर्फ एक ही मिली है, और अब देखते हैं अब देखते कितने में क्या देते हैं। भाई अभी जो संटी भाई ने चप्पल देखी है दुकान पे, पता है क्या बोला, $35। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है लोकल दुकान में 35-35 डॉलर की। अभी चाचा एक और दुकान पे ले आए, तो भाई फाइनली ये वाली चप्पल मिल गई है भाई को, ये वाली इन्होंने बोला अपने मुंह से 70,
फिर संडी भाई बोला 40, तो बोला ठीक है 50-55 करते करते 40 पे आ गया। अब वो चाचा जो हमारे साथ थे उनको भी कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा भाई। ये मार्केट का एंड आ गया, चलो यहाँ से चलते हैं। तो भाई संडी भाई का पहला एक्सपीरियंस हो गया, पर भाई ये बताओ, मैंने देख के बंदा सही बताया ना कि बंदा सही है? नहीं, बंदा तो सही था, ये पहले तो अजीब सा लग रहा था मगर वो पहले दुकान में घुस गया $35 की, यार बहुत महंगा है। ये चीज अमेरिका में होती नहीं ना, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, मतलब 40 दिरहम में चप्पल दिलाई। फिर आखिरी में आगे कहता, हमने कहा ट्रेन चेंज आना, कहता मैं ही छोड़ के आऊंगा मार्केट के बाहर तक। फिर आखिरी में हमको कहना पड़ा कि भाई हम चले जाएंगे, हमारे पास GPS रहा, हमको डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी। लास्ट में उसने मेरे को बोल ही दिया कि पैसे मैंने से ना हाथ मिलाया और उसने 10 उसने दिरहम रख दिए। ठीक है चलो, उसका भी हो गया, आपको चप्पल मिली। हाँ मेरे को चप्पल मिली, बधाई हो। थैंक यू भाई। भाई यहाँ पे कासापोर्ट स्टेशन आ गया, यहाँ सारे 5-star होटल हैं, सोफिटेल, नोवोटेल, इबिस। चलो ये क्यों नहीं किया भाई, आपने इतने पैसे वाले हो आप। भाई मेरे को पता था ना संटी आ रहा है, शाहरुख खान नहीं आ रहा। ये आ गए हम कासापोर्ट स्टेशन, यहाँ पे स्टारबक्स भी है भाई, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स भी है। और स्टारबक्स देखती संटी भाई कर, अरे ये तो बहुत अच्छा है भाई। अब वहाँ पे हम टिकट पता करेंगे अपनी नेक्स्ट सिटी की, मोरक्को में, जिसका नाम है मराकेश। तो भाई यहाँ से टिकट बुक कर दी हमने कल मराकेश की, तो बोले हर एक घंटे में ट्रेन चलती है, लगभग हर एक दो घंटे में, 11:35 की भी है, 12:35 की भी है। तो मैंने कहा 12:35 की कर दो, 12:35 की यहाँ से चल के 3:14 में पहुँचा देगी। तो अभी मैंने डिस्टेंस चेक नहीं करा, अभी चेक करके बताता हूँ कितना है। तो मतलब 2.5 घंटे लगभग में पहुँचा रही है ट्रेन, बड़ी तेज़ है मतलब मेरे हिसाब से तो। और टिकट मिली 132 दिरहम की, तो जितना मतलब मॉस्क की एंट्री थी ना उतने में, तो मतलब हम कासाब्लांका से मराकेश पहुँच जाएंगे सेकंड क्लास में। अब फर्स्ट क्लास की टिकट शायद इससे थोड़ी महंगी होगी, वो हमने कराई नहीं। अब भाई को पीनी है यहाँ पे कॉफ़ी, और मेरा भी मन कर रहा है कोल्ड कोल्ड कुछ पीने का, कॉफ़ी पियेंगे। चलो कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं, मैकडी में चलते हैं। तो यहाँ से सारी, और हाँ भाई टिकट आप यहाँ से खरीद सकते हो, पर आपकी जो ट्रेन जाएगी ना मराकेश के लिए वो जाएगी कासा वॉयजर्स से। तो कासा वॉयजर्स भी हमारे होटल के पास ही है, ज़्यादा हुआ तो भाई हम टैक्सी ले लेंगे, वरना पैदल 1 घंटा जल्दी निकल लेंगे। क्यों? हाँ सही है, ऐसे करते हैं। और हाँ डिस्टेंस मैंने पता कर लिया ट्रेन का कितना है, 250 किलोमीटर मराकेश तक 2 घंटे 40 मिनट में। कल देखते हैं कैसा रहता है। चलो भाई अपनी ट्रेन की टिकट होगी बुक, मैकडी में थोड़ा डोनट वोनट खा लिया, और अब चलते हैं वापस अपने होटल की तरफ। शाम के बज चुके 5, पहला दिन है भाई, कल ही आए थे संटी भाई, थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, वीडियो वगैरह एडिट करेंगे। और यहाँ पे देखो भाई, ये चौराहों पे ना इन्होंने ऐसा कर रखा है, जिस थोड़ा सा बड़ा चौराहा आएगा ना तो लाल कलर का कर देते हैं पूरे का पूरा ऐसे। और इनकी सारी टैक्सी जितनी भी है ना यहाँ, जितनी भी मतलब कासाब्लांका सिटी में चल रही हैं, सारी की सारी लाल कलर की हैं। लाल कलर की टैक्सी तो मैंने पहली बार देखी, चाहे कितनी भी पुरानी हो कितनी भी नई हो, सारी लाल कलर की मिलेंगी। ये यहाँ की लोकल बसेज हैं। ट्रैम्स में यार हम बैठ नहीं पाए, चलो रात को देखते हैं, ऐसे ही बैठ के आपको दिखा दूंगा कहीं से कहीं तक, रात को जब खाना वाना खाने निकलेंगे। भाई मेरे को वीडियो बनाते हुए 100 देशों से ज़्यादा हो चुका, तो मेरे को पता है कहाँ पे मतलब कैमरा खोलना है कहाँ पे नहीं खोलना। हालांकि आज भी मेरे को कोई ना कोई टोक ही देता है कि भाई तू यहाँ मत बना, ये मत कर, पर मेरे साथ बहुत कम होता है। पर संटी भाई को विद इन 24 घंटे 3 जने ऑलरेडी टोक चुके हैं। तो क्या कह रहे थे भाई, एक बंदे ने तो मेरे को, पुलिस वाले ने तो आके गन दिखा दी है ऐसे करके। नहीं, उसने ऐसे दिखाया कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो मतलब मेरे भाई पुलिस वाला ऐसे बोलता है, बैच दिखाता है, वो ऐसे गन दिखाता है पुलिस वाला। भाई वो अमेरिका में दिखाते हैं। नहीं अच्छा, मतलब तुम किसी कंट्री में जाओगे बंदा ये बोलेगा ये देख ऐसे करके। हाँ, मतलब वो बैच नहीं दिखाना चाहता था। चलो तो फिर देखो मेरे को, तो फिर आप क्या कह रहे संटी भाई, कह रहे आज के लिए बहुत है भाई, 3 बंदे ऑलरेडी टोक चुके हैं। अब देखो भाई मेरे ना लेफ्ट साइड पे पुलिस स्टेशन है, ठीक है, अब मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ ना तो मेरे को टोकेंगे नहीं, मेरे को पता है कि भाई ऐसे वीडियो बनाते हुए निकल जाऊंगा ना। ये आ गया देखो पूरा पुलिस स्टेशन, पीछे पुलिस भी खड़ी है, मेरी वीडियो में भी आ गए। तो भाई यहाँ पे आपको हर चौराहे पे ना बैंक मिल जाएंगे, इतने सारे बैंक, और इतने सारे करेंसी एक्सचेंज वाले भी मिल जाएंगे। अभी मत करो भाई क्रॉस जब तक इनकी लाल नहीं होती। पर कल आपने एयरपोर्ट पे देखा था कि जो मेरा मतलब जो कार्ड में कैश निकलवाने के लिए यूज़ करता हूँ ना, वो मेरा चला नहीं था, क्योंकि वो कार्ड ब्लॉक रहते हैं कई ऐसे देशों में, जैसे मोरक्को हो गया, मोरिटेनिया हो गया, इराक हो गया, इन देशों में चलते नहीं है वैसे वाले कार्ड। तो अपने मेन बैंक का कार्ड हमेशा अपने साथ आप ज़रूर रखना। जैसे मेरा SBI था, मैंने SBI डाला तुरंत पैसे निकल गए, तो मैंने बहुत सालों बाद यूज़ करा था SBI। तो पर आप फंस सकते हो, मैंने कल भी बताया था कि ऐसे वाले कार्ड अपने साथ रखोगे तो। और भाई यहाँ पे आ जाओ जल्दी, आओ संटी भाई उड़ा देंगे आपको वरना। भाई यहाँ पे तो ये मैं बता रहा था कि अपना मेन बैंक का कार्ड हमेशा अपने साथ रखना, वरना डॉलर तो चेंज हो ही जाते हैं, पर ठीक है ATM से भी निकलवा सकते हो।
तो मोरक्को यार मेरे को समझ में नहीं आया कि मतलब ये ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज में से है या क्या है, वो वाला कार्ड नहीं देता तो, पर जो मेन बैंक है ना SBI, एक्सिस, HDFC, ICICI, ये कहीं पे भी निकाल देंगे पैसे और ये हर जगह चलते हैं। भाई ये देखो सामने ट्रैम आ चुकी है, ट्रैम के अभी ऑपरेशनल जो स्टेशन है वो 70 स्टेशन है ट्रैम के जो भी ऑपरेशनल, बहुत लंबी ट्रैम है यार, मतलब इतनी लंबी जनरली होती नहीं। अरे बहुत ही लंबी है भाई ये तो। ओ भाई अच्छा ये वाली इनकी मेन स्ट्रीट है, यहाँ से चलते हैं और 70 स्टेशन है 47 किलोमीटर्स में अभी ये कासाब्लांका की ट्रैम चल रही है। इसी के पास हमारा होटल है, बस पहुँचने ही वाले हैं, सामने हयात होटल है। कहाँ चले गए संटी भाई, यहीं से चलते हैं, आ जाओ इस तरफ आ जाओ। तो भाई मोरक्को में जो पॉपुलेशन है वो 99.6% लोग इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, जो कि मतलब एक तरह से 100% ही मान लो। पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे जैसे सऊदी अरेबिया, कतर, इन जैसी स्ट्रिक्टनेस नहीं है लेडीज़ पे, मतलब लड़कियाँ जो मर्जी कपड़ा पहन के घूम रही है, किसी ने पूरा बुरखा पहना है, किसी ने हिजाब पहना है, किसी ने नॉर्मल वेस्टर्न कपड़े पहने हैं, तो कोई भी अंतर नहीं दिखा मेरे को। मतलब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल देश है, बहुत लीनियंट है भाई। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो आपको मतलब बियर वगैरह, दारू वगैरह सब कुछ मिल रहा है, लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, कई बार तो बियर की बोतल हमको रोड पे पड़ी मिली है। तो काफ़ी लीनियंट देश है, ऐसी कोई बात नहीं कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट इस्लाम धर्म फॉलो होता है या फिर मतलब ऐसा कुछ है। पर हाँ अगर आप रमादान के महीने में गलती से आ जाते हो तो फिर भाई आपको सुबह ये सारी दुकानें खाने पीने की बंद मिलेंगी लगभग, क्योंकि मेरा एक दोस्त आया था उसको बड़ी दिक्कत हुई थी, तो क्योंकि वो तो धर्म को फॉलो करेंगे ही, पर कपड़े पहनावे वगैरह में ये धर्म को मतलब इतना फॉलो नहीं कर रहे जैसे मतलब और जो स्ट्रिक्ट देश हैं सऊदी अरेबिया वगैरह जैसे वो करते हैं। तो भाई आपने अगर यूरोप आपने विजिट नहीं करा और मतलब आपको थोड़ी यूरोपियन फील लेनी है ना, आप रशिया जा सकते हो और आप मोरक्को भी आ सकते हो। ये मतलब एक तरह से मान सकते हो यूरोप से 50% कम डेवलप्ड देश अफ्रीका में है जो कि यूरोपियन फील देगा। भाई ज्यूरिक में बिल्कुल ऐसी सेम सड़क है, मतलब थोड़ी कम भीड़ भाड़ है, सफाई थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ा मतलब माहौल अच्छा है, पर सेम सड़क है कि ट्रैम चल रही है और दोनों तरफ शॉपिंग की डिस्ट्रिक्ट है और मतलब लोग चलने लग रहे हैं, ट्रैफिक नहीं है, मतलब ऐसी ज्यूरिक में सड़क है। और ऐसी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सड़कें आपको मिलेंगी लगभग हर यूरोपियन टाउन में जहाँ पे ट्रैम चल रही होगी और दोनों तरफ महंगे महंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होंगे। तो अब चलते हैं अपने होटल की तरफ। भाई ये देखो ये बंदे पार्किंग की पेमेंट करने लग रहे हैं। तो भाई ये मेरे को ना मतलब दुबई के बाहर, मैं सऊदी वगैरह गया नहीं हूँ, कतर वगैरह में भी होगा जो मतलब वो तो मिडिल ईस्ट हो गया ना भाई, फिर अफ्रीका में भाई मेरे को पार्किंग का सिस्टम ना पहला देश है जिसमें दिखा है। मे भी टूनीशिया में हो, मतलब थोड़ा डेवलप लगता है टूनीशिया, इजिप्ट में भी ये सब कहीं नहीं है या फिर मैंने देखा नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं है, और साउथ अफ्रीका में हो सकता है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ मोरक्को काफ़ी डेवलप। देखो पेमेंट करने लग रहे थे क्योंकि मतलब यहाँ पे टो होती होंगी गाड़ियाँ, फिर पुलिस वाले चालान काटते होंगे वरना फिर क्यों ही लगा रखे हैं। हर जहाँ पे पार्किंग है सारी गाड़ियाँ लाइन से खड़ी हैं, कोई भी मतलब इधर उधर नहीं खड़ी है। भाई एक चीज़ मेरे को एक्सपेक्ट नहीं थी मोरक्को से कि यहाँ पे गंदगी होगी, मतलब थी कि हाँ भाई गंदगी तो होगी पर इतनी होगी ये नहीं था। अब जहाँ मेन जगहों पे घूमे ना भाई वो बड़ी साफ थी, मतलब ये मान लो 80% साफ थी, 20% गंदगी लोगों ने फैला रखी थी। जहाँ पे हम कई रोडों से पास करा ना तो भाई बदबू भी आ रही है, नालियाँ बह रही हैं रोड पे से, पता नहीं हमने होटल गलत जगह ले लिया, पर गलत सही तो क्या ही होता है भाई, यूरोप में तो किसी भी गली में चले जाओ कितनी छोटी गली में ये सब तो नहीं मिलता। अब यहाँ देखो आप ये सब तो आपको पता चलेगा, पैसे ठीक है काफ़ी साफ सफाई है पर सब जगह नहीं है। ये देखो कचरे का, चलो ये करने तो लग रहा है कुछ साफ बंदा, पर ये देखो कितना और है भाई, उल्टी आ जाएगी मेरे को। चलो भाई होटल पहुँच गए, अब बस रात को खाना खाने निकलेंगे, देखते हैं क्या खाते हैं, फलाफल वगैरह ये वो छोटा मोटा खा लेंगे और फिर सो जाएंगे। तो आज हमने भाई कोई भी ट्रैम, मेट्रो, बस, कुछ भी टैक्सी कुछ भी नहीं लिया, सारा पैदल घूम के आए, लगभग हम 2 से 2.5 घंटे तो पैदल चले होंगे। और यहाँ पे हर जगह बिल्ली भी मिल जाएंगी सारे मुस्लिम देशों की तरह, क्योंकि ये लोग बिल्ली को बड़ा प्यार करते हैं। कुत्ते नहीं मिलेंगे आपको इतने, थोड़े बहुत मिल जाएंगे, पर बिल्लियों को भाई ये खाना वाना भी खिलाते रहते हैं, और बिल्ली को मतलब ये एक तरह से मतलब होली मानते हैं कि बिल्लियों को कोई कुछ नहीं करेगा भाई, बिल्ली कहीं पे भी जा सकती है। तो भाई ये हम रात को बाहर आ गए थे कुछ खाना वाना खाने, संटी भाई कह रहे कुछ लोकल खाना है, लोकल खाना है, लोकल इनका वही होता कबाब फलाफल ये वो, तो कोई रेस्टोरेंट शायद वो वाले रेस्टोरेंट हम सोच रहे हैं, ये वाले रेस्टोरेंट भी अच्छे हैं एक दो, पर हम सोच रहे हैं वो वाला रेस्टोरेंट कुछ सर्च किया गूगल पे तो उस पे चलते हैं। भाई ये आ गया संटी भाई का लोकल खाना, मैं जब भी ट्रैवलर के साथ ट्रैवल करता ना वो कहते हैं लोकल खाना है, लोकल खाना है, संटी भाई को भी हुआ तो ये सॉस ले आ रहे भाई, इन क्यों निकाल रहे उसमें से, उसमें ये कैसी सॉस है पता नहीं कैसी है,
अरे ब्रेड से इसके अंदर डाल दे सब कुछ, नीचे से लीक नहीं होगी। इसी में डाल दो। तो भाई खाना खा लिया, चिकन भाई क्या मज़ेदार था, सॉस वगैरह सब कुछ मिला के सब बेहतरीन, और 42 दिरहम्स का था, इतना बड़ा आया था। हम तो पूरा, मैं तो आधा भी नहीं खा पाया, मतलब आधा आधा हमने खाया ना, मैं तो आधे को भी ख़त्म नहीं कर पाया, संडी वाई भी नहीं कर पाया, थोड़ा सा इन्होंने भी छोड़ दिया। तो भाई खाने की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा था। चलो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, कल हम जाएंगे यहाँ से ट्रेन लेके मराकेश, तब तक के लिए बाय।